Ex-President, Duvardo! पहले तो चुनाव नहीं हो रहे थे, कोर्ट के माध्यम से चुनाव किया गया। अब चुनाव होने के बाद 7-8 लाख रुपए का लॉस दिखाया, डेफिशिएंट दिखाया गया है। 80 वर्ष के 50 वर्ष 60 वर्ष के इतिहास के अंदर कभी चैंबर को नुकसान नहीं हुआ। आज पहली बार कुछ ऐसे एक्स प्रेसिडेंट जो सत्ता के अंदर आए चुनाव लड़ रहे हैं। पहले 4 साल चुनाव नहीं कराया, कोर्ट के माध्यम से चुनाव हो रहा है। अब 7-8 लाख रुपए का नुकसान, 50 लाख रुपए की पार्टी, औरतों को नचाना, जम्मू की डोगरी संस्कृति को तबाही करना और 7.5 लाख के करीब शराबें पीना और पार्टी के अंदर मुर्गे और ये सारी बातें लेकर के 50 लाख रुपए का खर्चा बताने का प्रयास किया। यहाँ पर फर्स्ट प्राइज आ गया, धंधा खत्म हो गया। मेट्रो ट्रेन आ रही, मेट्रो की एक एक्सचेंज आ रहा है, मेट्रो के माध्यम से अगर वो सांबे के अंदर खुल जाता है उसमें आपको सारी चीजें उपलब्ध होंगी और उसके बाद भी धंधा समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये इशू है, बाहर से जो कंपनियां यहां आ रही हैं, फॉरेन की कंपनियां आ रही हैं, जम्मू कश्मीर की धंधे को बिल्कुल समाप्त करने का प्रयास करना चाहती है। श्रीनगर के अंदर क्यों नहीं खोले, क्योंकि श्रीनगर के नेता शिव सारे इकट्ठे हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, ये जो 67 लाख रुपए का नुकसान, ये उस बंदे से भरपाई की जाए जो चुनाव के अंदर खड़ा हो रहा है। और लोगों से अपील करना चाहता हूं, ऐसे बंदों के विषय के अंदर विचार करने का हमको प्रयास करना होगा। और ऐसे लोग जो दबा है डोगरी संस्कृति के नाम पर, यहाँ पर औरतों को नचाना और शराब पीना और पार्टी करना, लगभग 50 लाख रुपए के करीब, जब पैसे नहीं थे पार्टी क्यों करी, क्यों बोझा चैंबर के जम्मू की जनता के ऊपर डालने का तुम लोगों ने प्रयास करा। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, ये जो बड़े बड़े मॉल बार से आ रहे जो यहाँ धंधा समाप्त कर देंगे, बेस्ट प्राइस आई किसने लाई, कौन इसके अंदर दोषी है, श्रीनगर के अंदर क्यों नहीं खुली, और ये जो चेन आ रही है यहाँ, ये चेन जो है ये सबसे बड़ी फॉरेन की चेन है, मेट्रो चेन। उस मेट्रो चेन आने के बाद ये दुकानदारों का धंधा बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। ये इशू चैंबर के हैं, ना कि लड़कियों को नचाना, औरतों को नचाना, शराबें पीना और पार्टियां करना, ये कोई विषय नहीं है। इसलिए नई टीम से कहने का प्रयास करना चाहता हूं, ऐसे बंदों को जिन लोगों ने इस तरह का काम करा है उनसे पैसों की वसूली की जाए और ये जो बाहर से कंपनियां आ रही हैं उनका विरोध किया जाए और डट करके मुकाबला किया जाए, ताकि जो श्रीनगर के अंदर नहीं खुली जम्मू वालों ने खोलने का यहाँ कुछ लोगों ने प्रयास करा, इसका विरोध होना चाहिए। ये चैंबर का काम है ताकि यहाँ के व्यापारी वर्ग जो है वो जिंदा रहने का प्रयास कर पाए। धन्यवाद।